हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन के बारे में बताने वाला हूँ। डिग्रेडेशन ऑफ हीम टू बाइल पिगमेंट, कि कैसे जो है हीमोग्लोबिन टूटता है और उससे बिलीरुबिन बनता है और बिलीरुबिन के अदर डेरिवेटिव्स बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारा जो RBC का लाइफ साइकिल होता है वो 120 डेज़ का होता है, और 120 डेज़ के बाद ये जो है RBC जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं हमारी स्प्लीन के अंदर, जिसे हम ग्रेवियार्ड भी बोलते हैं RBC का। तो हमारे स्प्लीन के अंदर जो मैक्रोफेज सेल होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन RBC से निकल जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो बाद में टूटता है हीम और ग्लोबिन की फॉर्म में। इसमें से ये जो ग्लोबिन वाला जो पार्ट है, ये वाला जो है ये एक प्रोटीन पार्ट होता है, और हीम जो है वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो ग्लोबिन होता है ना, ये ग्लोबिन जो है वो या तो दोबारा से जो है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में यूज आ जाता है, और या फिर ये कोई एक नया अमाइनो एसिड बना लेता है, और या फिर दोबारा से जो है एक नया जो है ग्लोबिन पार्ट सिंथेसिस हो जाता है, और वो हीमोग्लोबिन के जो है सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, तो इसमें ये तो ग्लोबिन का पार्ट हो गया। अब इसमें हीम जो होता है वो आगे चल करके हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, इसमें जो Fe+3 बन जाता है, Fe+2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Fe+3 बना लेगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और यहाँ पर एक NADPH+H+NADP में चेंज हो जाता है। ठीक है, देन ये बिलीवर्डिन जो होता है वो बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है आपके बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में बिलीरुबिन में। अब एक बिलीरुबिन की नेचर होती है कि बिलीरुबिन जो है वो क्या होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। तो ये प्लाज्मा के अंदर इसको जब मूव कराना होगा, बिलीरुबिन को कहीं सप्लाई करना होगा, तो उसके लिए हमारे को उसको सॉल्युबल बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं कि बिलीरुबिन को, जो कि एक येलो कलर का पिगमेंट है जो वाटर इनसॉल्युबल है, इसको हमें सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक एल्ब्यूमिन से कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिससे कि ये कहीं भी फ्लो हो सके, सप्लाई हो सके। ठीक है, ये बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो आगे चल करके लीवर में चला जाएगा, और ये बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स जो है लीवर में जाकर के एल्ब्यूमिन से अलग हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो बिलीरुबिन है वो एल्ब्यूमिन से जुड़ता है, तो एल्ब्यूमिन के अंदर दो साइट होती है जिससे ये बिलीरुबिन जुड़ता है। ठीक है, और इसमें एक साइट होती है जहाँ पर वो टाइटली अटैच्ड हो जाता है बिलीरुबिन से, और जो दूसरा हिस्सा होता है एल्ब्यूमिन का, वहाँ पर बिलीरुबिन जो है लूजली अटैच होता है, तो वहाँ से ये आसानी से डिटैच हो जाता है। ठीक है, तो कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर, जैसे कोई ड्रग जैसे सल्फोनामाइड और कई एंटीबायोटिक्स हैं, जिनके इफ़ेक्ट से क्या होता है कि ये जो बिलीरुबिन है ये एल्ब्यूमिन से अलग हो जाता है, और जाकर के ये जो नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पर जाकर के ये न्यूरल टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ बता दी मैंने कि ये बिलीरुबिन जब एल्ब्यूमिन से ये जो लूजली अटैच पार्ट है वो अलग हो जाएगा, तो ये वहाँ जाकर के न्यूरल टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने वापस यहाँ पर, कि ये जो ब्लड है यहाँ पर, ये जो बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स था, ये जाकर के लीवर में पहुँचेगा। अभी तक ये जो बिलीरुबिन है वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेशन जो है जाकर के लीवर के अंदर होता है। ठीक है, जहाँ पर ये बिलीरुबिन जो है वो बिलीरुबिन ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में बिलीरुबिन डाइग्लूकोनाइड बनाता है। ठीक है, अब इसमें ये जो ग्लूकोनेट जो है वो ये UDP ग्लूकोनेट होते हैं, उनके दो मॉलिक्यूल से हमारे को मिलता है और बिलीरुबिन डाइग्लूकोनाइड बनता है। ठीक है, और ये जो बिलीरुबिन डाइग्लूकोनाइड बना है ये एक कॉन्जुगेटेड फॉर्म है बिलीरुबिन की। अब ये जो है आगे जाकर के बाइल में सीक्रेट होगा। ठीक है, ये एक वाटर सॉल्युबल फॉर्म होती है बिलीरुबिन। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जब ये बिलीरुबिन डाइग्लूकोनाइड है, ये बाइल में जाएगा, वहाँ पर जाकर के ये इंटेस्टाइन में जब ये पहुँचेगा, तो इंटेस्टाइन में ये माइक्रोबियल एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये माइक्रोबियल एंजाइम्स बिलीरुबिन डाइग्लूकोनाइड को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यूरोबिलिनोजन जो होता है इसका कुछ हिस्सा तो यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो किडनी में जाकर के ये यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में कन्वर्ट होगा, और यूरोबिलिन जो है वो यूरिन से पास हो जाएगा। किडनीज के अंदर जो यूरोबिलिन है ना
वो कन जो है यूरिन से पास हो जाएगा। अब ये जो यूरोविलिन पिगमेंट है, इसी की वजह से जो यूरिन का कलर है वो येलो होता है, ठीक है। और इसका जो कुछ हिस्सा होता है वो स्टीरकोविलिन में चेंज हो जाता है। इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो स्टीरकोविलिन में चेंज होता है, बाकी कुछ हिस्सा जो है यूरोविलिन में कन्वर्ट होता है। और जो हिस्सा स्टीरकोविलिन में चेंज होगा वो फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो ब्राउन कलर फीसिस का होता है वो इस स्टीरकोविलिन पिगमेंट की वजह से होता है। तो ये दो पिगमेंट है, यूरोविलिन और स्टीरकोविलिन, जो कि स्टीरकोविलिन होगा फिर फीसिस से एक्सक्रीट हो जाएगा, और यूरोविलिन जो है वो यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वो टूटेगा और बाइल पिगमेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके ये जो महत्वपूर्ण स्टेप हैं, ये मेनली जब मैक्रोफेज के अंदर होता है तो मैक्रोफेज के अंदर ये जो बिलिरुबिन है वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। और जब ये लीवर के अंदर जाता है तो यहाँ पर आपको लीवर के अंदर इसकी कॉन्जुगेटेड फॉर्म भी मिलेगी और अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म भी मिलेगी। और लीवर के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो जो है 98% अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को बिलिरुबिन में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जब ये इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा या किडनीज में जाएगा तो वहाँ जा करके ये पूरी तरीके से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो उससे 35 मिलीग्राम बिलिरुबिन बनता है। इसीलिए एक दिन के अंदर करीब करीब 350 मिलीग्राम बिलिरुबिन बन जाता है 10 ग्राम हीमोग्लोबिन के टूटने से, ठीक है। तो ये था मेरा एक पूरा इसका प्रोसेस के कैसे हीमोग्लोबिन टूटा और उससे बाइल पिगमेंट बना। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू।